हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर शो टेक्नो किड्स। मैं डीजे आप लोगों को लेकर जाऊंगा साइंस के एक ऐसी अमेजिंग दुनिया में, जहां हम सीखेंगे छोटे 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 कंसेप्ट और उनसे हम बनाएंगे बड़े 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 प्रोजेक्ट। जो चीजें आप सोचते हैं कि हम बड़े होकर बनाएंगे, हम आपको सिखाएंगे इस शो के थ्रू। क्योंकि हर बच्चे में अपना एक अलग टैलेंट होता है, वो सोचता है कुछ नया करने की, एक क्यूरियोसिटी होती है। पर हमारे पेरेंट्स हमें टोकते रहते हैं, अरे तू तो अभी बच्चा है, तू कैसे कर सकता है ये सब। जब मैं भी बच्चा था तो मुझे पता चला स्कूल में कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मुझे ये भी मालूम था कि पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल से मैं LED या लाइट को ग्लो क्यों नहीं कर पाऊँ। मैंने पापा से बात की, पापा ने मुझे बहुत डांटा और बोला तू पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान लगाता है, कुछ नहीं होता पेंसिल वेंसिल से। पर मैं बहुत ज़िद्दी था, मैंने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, नहीं हुआ। मैंने 10 बार ट्राई किया तो भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ट्राई किया तो LED ग्लो हो गई, मुझे उसका फॉर्मूला समझ में आ गया। मैंने पापा को बताया, पापा ने खुशी से मुझे गले लगा लिया और बोला बेटा तू जरूर कुछ करेगा। मैंने स्टडी भी कुछ ऐसी की कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। हमारे पेरेंट्स जो सामान बेच समझ कर फेंक देते हैं, उसी सामान से हम कुछ नया इन्वेंट करेंगे, जिससे हमारे पेरेंट्स का नजरिया बदलेगा और वो भी हम पर प्राउड फील कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टेक्नो किड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पेंसिल को कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, आप बोलेंगे मैं उससे राइटिंग करता हूँ, मैं उससे स्केचिंग करता हूँ, मैं उससे ड्राइंग भी बनाता हूँ। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप उससे सर्किट ग्लो कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल? आप बोलेंगे डीजे पागल हो गया है, ऐसे थोड़ी हो सकता। दोस्तों ये 100% पॉसिबल है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं हम पेपर सर्किट, कैसे हम पेंसिल से LED को ग्लो कर सकते हैं। आज के हमारे एपिसोड का नाम है पेपर सर्किट। मैं आपको आज एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ। हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करना होता है। ब्लूप्रिंट हम कहाँ पर बनाएंगे? सर्किट बोर्ड पर। तो चलिए सर्किट बोर्ड की तरफ मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग पेपर सर्किट यानी कि पेंसिल से LED को ग्लो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमें उसके लिए चाहिए एक बैटरी। बैटरी के दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके हमें सब सिंबल्स पता होने चाहिए। कैसे हम इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, कैसे हम इसमें LED ये हुआ हमारा सर्किट कंप्लीट। अब हमें करना है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए कुछ पेपर्स, बैटरी, LED और कुछ वायर्स। तो इसके लिए हमने लिया एक पेपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंसिल को हम किस तरीके से रब करेंगे। पेपर पर हमने पेंसिल से एक ब्लॉक बनाया। ब्लॉक में जितना मैक्सिमम हो पाए हम इसे रब करते चले जाएंगे। और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें वाइट होल नहीं रहे बिल्कुल भी। जितना डार्क आप कर सकते हैं इसको कर दीजिए, और जल्दी जल्दी बहुत रफली रफली इसे हम और ज़्यादा डार्क करते चले जाएंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि हमारी जो पेंसिल होती है वो कितने तरह की होती है। पेंसिल का एक बेसिक नेचुरल, हम जिसको लेते हैं न्यूट्रल थिंग, वो है हमारा HB। हमने एक पॉइंट पर ड्रॉ किया, ये है हमारा B, ये है हमारा H। H की तरफ जाते हुए इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं 1H, 2H, 3H, 4H, 5H एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये 1B, 2B, 3B एंड सो ऑन। तो समझ गए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें इसे और ज़्यादा बहुत अच्छे से डार्क कर देना है। बिल्कुल भी वाइट पेपर दिखाई नहीं देना चाहिए इसमें, ओके? अब हमें चाहिए बटन होल्डर विद क्रोकोडाइल क्लिप, एक बैटरी और एक LED। देखिए ये है हमारा बटन होल्डर, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव यानी रेड
और नेगेटिव यानी ब्लैक। इसे हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से हम इसे अटैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारा क्रोकोडाइल क्लिप होता है ये देखिए किस तरीके से हम ये अटैच हो सकता है किसी भी वायर से, और इसके थ्रू हम बना सकते हैं किसी चीज़ की कनेक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल की कनेक्टिविटी। पॉजिटिव पार्ट को एलईडी के पॉजिटिव पार्ट से मैंने अटैच कर दिया, ओके। नेगेटिव पार्ट को मैंने ऐसे इस पर लगा दिया, ये देखिए कैसे एलईडी ग्लो हो गई। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये ग्रेफाइट है और इसको हम पेपर पर लगा रहे हैं ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस किस तरीके से, देखो अगर ग्रेफाइट का मटेरियल बीच में थोड़ा सा कम है हम पेपर के ऊपर ग्लो कर रहे हैं तो ये हमारी एलईडी बहुत अच्छे से ग्लो होती है, देख रहे हैं ना आप। और अगर हम इसको थोड़ा दूर लगा कर करते हैं तो कम ग्लो होती है, समझ गए ना फॉर्मूला। अब मैं जैसे जैसे इसके पास लेकर जाऊंगा क्रीज हो रही है इसकी इंटेंसिटी और अब डिक्रीज हो रही है, ये होता है रेजिस्टेंस। तो समझ गए ना दोस्तों, ये है पेपर सर्किट का फॉर्मूला। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसके लिए लेंगे हम एक और पेपर और इस पर बनाएंगे दो पॉइंट यानी कि दो टर्मिनल, हमें इसका एक पाथ बनाना होगा। हम किसी भी तरीके से रैंडमली पाथ बनाना है हमें, और जो हम पाथ बनाएंगे उसे बहुत डार्क डार्क फिल करना है ताकि व्हाइट होल बिल्कुल भी ना रहे। अगर व्हाइट होल रहेंगे तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं कर पाएगी। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो ये यहाँ से चलते हुए ये भी आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्रोकोडाइल के पॉजिटिव पार्ट को अटैच कर दिया और नेगेटिव पार्ट को हम किससे अटैच करेंगे, नेगेटिव से। अब हम एलईडी को लगाते हैं। एलईडी को अगर मैंने यहां से अटैच किया ये देखिए एलईडी हमारी ग्लो हो गई। अगर मैंने इतना दूर इसको लगाया है तो ये कम ग्लो कर रही है, अगर मैं बिल्कुल इसके पास में ग्लो करूंगा तो ये देखो दोस्तों कितने अच्छे से ग्लो कर रही है हमारी एलईडी लाइट। तो समझ में आ गई दोस्तों पेपर सर्किट किस तरीके से काम करता है। इसके बाद आप लोग ग्रीटिंग बनाते हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई को एक ग्रीटिंग देते हैं। इस तरीके से मैं आज आपको बताता हूँ कि हम एक कपकेक किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी जो कैंडल है उसको हम एलईडी से कैसे ग्लो कर सकते हैं। हमने एक पेपर लिया, पेपर को कुछ इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से एक स्केच बना देंगे, ये आइसक्रीम केक, ये आपकी कैंडल। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर जहां हमने कैंडल लगाई है कैंडल पर हम लोग एलईडी को ग्लो कर सकते हैं। हमने एक एलईडी लिया, इसमें एक होल कर दिया, एलईडी के पिंस को यहां से मैंने अंदर पुश कर दिया। इसके बैक साइड में हमें एक टेलकोइन बैटरी रखना होगा। अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा जिसका नाम है कॉपर टेप। कॉपर टेप को मैं कुछ इस तरीके से यूज करूंगा, इसको मैंने निकाला, ये देखिए ये यहाँ से रिमूव हो गया, ये कंप्लीट कॉपर का बना है और कॉपर आपको पता है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको पेपर से चिपकाते हुए हमारी एलईडी की तरफ इसको ले आए, ओके। एक और छोटा सा कॉपर टेप लूंगा मैं, इस कॉपर टेप को भी यहां इसके नेगेटिव पार्ट से मैंने इसके नेगेटिव पार्ट को चिपका दिया। और जैसे ही मैं इस सेलकोन बैटरी से नेगेटिव पार्ट को ऑन करता हूँ तो हमारी एलईडी ग्लो कर जाती है। तो अब आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई को, अपने बहन को, किसी भी कज़न को अगर आपको गिफ्ट देना है तो सिंपल ग्रीटिंग मत दीजिए,
उसमें कलर कीजिए, उसमें LED लगाइए और उसे पेश कीजिए अपने दोस्तों के सामने। मैंने आप लोगों के लिए बनाया है हट, इसको भी हमने कॉपर टेप से अटैच कर दिया और सेल कोइन बैटरी लगा दी और हमारी LED ग्लो कर जाएगी। ये तो हुआ हमारा होम ड्राइंग, ये हमारे स्कूल का वर्क है। अब दोस्तों मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जिसे आप बहुत लाइक करते हैं। अब हमारे कार्टून करेक्टर्स, अगर मैं शेरू को, गुनगुन को या मूषक की आईज को ग्लो कर सकूं LED की लाइट से तो कैसा फील करेंगे आप सब लोग। तो इसीलिए मैंने शेरू की आईज ब्लिंक करी है, आईज के अंदर मैंने लाइट ग्लो कर दिया है और मूषक के नोज को मैंने ब्लिंक किया है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब मैंने आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और आपको मजा भी बहुत आया होगा। अब मुझे आपकी क्रिएटिविटी का वेट रहेगा। आप कुछ भी बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाइए और उसका वीडियो शूट बनाकर हमें मेल कीजिए। हमारा मेल एड्रेस है dj@technokids.co.in। और अगर आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ और आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हुई तो आपको मौका मिलेगा हमारे इस शो में आने का।